रविवार को देर रात तथा सोमवार की सुबह तहसील के उबगी ग्राम के रीधा पोल्ट्री फार्म की 265 मुर्गियां मृत पाए जाने से खलबली मच गई। कोरोना से निपटने के लिए अब टीकाकरण की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चूंकि देश के अन्य हिस्सों की तरह नागपुर में भी निर्धारित किए गए 8 केंद्रों पर सरकार के निर्देश के तहत तैयारी पूरी कर ली गई है। मानसिक तनाव में दो युवकों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मंगलवार की सुबह दोनों घटनाएं सामने आई। एक सुशिक्षित युवक ने रोजगार नहीं मिलने के कारण फांसी लगाई, वहीं दूसरे के तनाव का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया। नागपुर मनपा द्वारा टैक्स वसूली को लेकर चलाई जा रही अभियोजना की समय विधि बढ़ाने से जनता तो थोड़ी राहत मिलेगी। इस संदर्भ में ग्राहक जन जागृति संस्था नागपुर की ओर से महापौर दयाशंकर तिवारी को ज्ञापन सौंपा गया। नागपुर मेट्रो रेलवे के निर्माण कार्यों में अब तक लगभग 2500 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार होने का आरोप जय जवान जय किसान संगठन के अध्यक्ष प्रशांत पवार ने लगाया। युवक कांग्रेस ने केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर आरएसएस मुख्यालय के सामने थाली बजाओ सरकार जगाओ और घंटानाद आंदोलन किया। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी अपने तय कार्यक्रम के तहत मंगलवार की शाम नागपुर पहुंचे। विमानतल पर उनका स्वागत मेयर दयाशंकर तिवारी ने किया। शहर में कोविशील्ड की वैक्सीन मंगलवार को नहीं पहुंच पाई, हालांकि इसे लेकर पूरे दिन चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। देश में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की शुरुआत होने जा रही। जिले की 127 ग्राम पंचायतों के लिए 15 जनवरी को चुनाव हो गए। 18 जनवरी को मतगणना होगी। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाए इसके लिए पुलिस ने कमर कस ली। महापौर दयाशंकर तिवारी ने महामेट्रो के कार्यालय को भेंट दी और प्रबंधक निदेशक ब्रजेश दीक्षित के साथ महामेट्रो और नागपुर महानगर पालिका द्वारा संयुक्त रूप से जारी विभिन्न विकास कार्यों पर विचार विमर्श किया।